ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूं, हां एक महान की बात करने जा रहा हूं, एक महान की बात करने जा रहा हूं जिनका यह मानना था कि इंसानियत एक महासागर की तरह है, अगर इसकी कुछ बूंद गंदी हो जाए तो पूरा महासागर गंदा नहीं होता, कुछ इंसान के गलत होने से पूरी इंसानियत गलत नहीं होती, जिनका यह मानना था कि अगर आप प्यार से चाहो, अगर आप प्यार से चाहो तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, पूरी दुनिया को हिला सकते हो, जिनका ये मानना था कि अगर आप अपने आप को पाना और ढूंढना चाहते हो तो दूसरों की सेवा और मदद में लग जाओ, जिनका ये मानना था कि वीक कैन नेवर फॉरगिव बिकॉज फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रांग पीपल, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता और मजबूत लोग जो होते हैं वो सभी को माफ़ कर देते हैं, जिनका ये मानना था, जिनका मानना था कि कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, जिनका मानना था कि सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए, जिनका ये मानना था कि भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, टचेबिलिटी होनी चाहिए, जिनका ये मानना था कि सब लोग साथ चलें, सब लोग विकास से चलें, सब लोग प्यार से रहें, जिनको हम कहते हैं बापू, जिनको कहते हैं महात्मा, जिनको कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको कहते हैं महात्मा गांधी, जिनको कहते हैं राष्ट्रपिता और जिनको कहते हैं गांधी, चाहे हम गांधी कहें किसी भी नाम से बुला सकते हैं लेकिन उनके कामों को नकारा नहीं जा सकता, उनके अंदाजों को नकारा नहीं जा सकता। इस देश ने एक हीरा दिया 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर पोरबंदर में एक इंसान पैदा होता है जिसका नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद और माँ का नाम पुतली बाई, वो उस घर में पैदा होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं, बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है उन्हें। आगे चलते हैं, वो स्कूल में जाते हैं, जब स्कूल में वो पहुंचते हैं तो उनको एक बार वो जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर, एग्जामिनेशन इंस्पेक्टर आता है, 5 वर्ड्स देता है स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, एक वर्ड होता है उसमें केटल, वो गलत लिख देते हैं, वो अपना शूज़ निकालता है और उस शूज़ से इशारा करता है कि क्या कर रहे हो तुम किसी को देख के किसी की नकल करके सही लिख दो, लेकिन उनका ये मानना था कि मैं कभी नकल नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी अकल का इम्तिहान लेना चाहता, इसलिए उन्होंने पूरे क्लास में स्पेलिंग केटल की सिर्फ उनकी गलत थी, बाकी सबकी सही थी, टीचर ने डांटा फटकारा लेकिन उनका मानना यही था कि नकल तो मैं नहीं करूँगा। बाद में वो कुछ ही दिन बाद वो देखते हैं एक पिक्चर, एक फोटो फ्रेम देखते हैं, वो बड़ा इंस्पायर उनको करता है, वो श्रवण कुमार का होता है जो अपने कंधों पर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे होते हैं, वो जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि क्या आज भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं, क्या इस तरह का बना जा सकता है, तो उन्होंने सोचा कि ये नकल करने लायक चीज़ है, इसको मैं नकल कर सकता हूँ, मैंने केटल की स्पेलिंग तो नकल नहीं की थी लेकिन ये श्रवण कुमार की बात मैं नकल करूँगा। उनको एक बार पिताजी से उनको अपॉइंटमेंट मिलता है या परमिशन मिलती है एक ड्रामा देखने का, हरिश्चंद्र, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हरिश्चंद्र। जब वो जाते हैं देखते हैं तो वो आने के बाद सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं ये ड्रामा देखने के लिए बार बार परमिशन तो पाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूं, ये ड्रामा तो मुझे बहुत पसंद है, क्यों ना हरिश्चंद्र को अपनी ज़िंदगी में लाया जाए और ज़िंदगी में खुद सच्चाई के मार्ग पर चला जाए, अच्छी बातें किया जाए, अच्छी चीज़ें सीखा जाए। तो उसी तरह से हम दोस्तों अपनी ज़िंदगी में भी गांधी ला सकते हैं, कलाम ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी हरिश्चंद्र ला सकते हैं, श्रवण कुमार ला सकते हैं, क्योंकि हमारे सोच पर हर चीज़ निर्भर होती है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। उसके बाद वो आगे चलते हैं, वही बस 13, जब वो 13 साल के होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, आप जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी से, कस्तूरबा, उनकी शादी 13 इयर्स की एज में, इट वाज वेरी प्रीमैच्योर एज, जो कहते हैं ना कि उम्र से पहले शादी होना प्रीमैच्योर मैरिज, उनकी शादी से पहले एक कंडीशन होती है कि बेट्रोथल और मैरिज, बेट्रोथल होता है शादी से पहले, जैसे हमारे भी खानदानों में, हमारे भी घर घराने में ये होता है कि कहते हैं फलिया से शादी लग गई, छोटे बच्चे थे तभी शादी किसी से लग गई, उसको बोलते हैं बेट्रोथल। तो उनकी बेट्रोथल उनका 3 बार हुआ, 2 बार जिन लड़कियों से हुआ उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई, 3री बार कस्तूरबा गांधी से होती है और वो 13 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, लेकिन जब उनका बेट्रोथल होता है तो वो मात्र 7 साल के होते हैं। उनके 4 बच्चे होते हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, देवदास वो फिल्म वाले नहीं, देवदास गांधी के बेटे। अब वो शादी तो कर लेते हैं, उनकी लाइफ चल रही होती है, लेकिन बाद में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उनको पूरी तरह से बदल देती है। उनको स्मोकिंग की बड़ी लत लग जाती है, वो उनके जो चाचा, उनके अंकल जो सिगरेट पीकर फेंकते थे, वो थोड़ा सा बचा रहता था, वो जाके उठा के अपने रिश्तेदार दोस्त के साथ वो पीना शुरू कर देते थे। कई दिनों तक वो पिए लेकिन वो उनको सेटिस्फाई और संतुष्ट नहीं कर पाता था वो सिगरेट, क्योंकि वो बहुत कम होता था, वो उनको लत लग गई थी, इसलिए वो सर्वेंट की पॉकेट मनी जो होती थी उसमें से थोड़ा सा पैसा चुरा लेते थे और जाके सिगरेट खरीद के वो पीना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनका ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग।
बाद में वो धीरे धीरे उनको लगने लगा, क्योंकि उनको लगने लगा कि स्मोकिंग इज़ माई हैबिट, और वो बहुत फॉन्ड थे, बहुत ज़्यादा उनको एक तरह से हैबिचुअल हो गए थे उनके एल्डर से, उनके घर घराने में बहुत ज़्यादा परमिशन तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस रहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन में जी रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो एक बार सोचते हैं कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं, चलो ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। ज़िंदगी का खात्मा वो करने निकल चलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक सोच आती है, क्यों ना ज़िंदगी को ख़त्म करने से पहले ज़िंदगी के बारे में समझा जाए और ज़िंदगी को जिया जाए। तो मेरा एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, वो महात्मा गांधी से बहुत बड़ा लेसन ले सकते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ इज़ प्रीशियस, ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य और कीमती है, कभी इसको गंवाएं ना, खोए ना। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ, आप कोरोना वायरस से भी बचें। और बाद में क्या होता है कि वो उस रास्ते पर टर्निंग पॉइंट उनका आता है, तो वो टर्न हो जाते हैं, वो चीज़ें सीख लेते हैं, समझ जाते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ इज़ प्रीशियस एंड ऑस्पिशियस एंड इम्पॉर्टेंट। उसके बाद होता क्या है कि जब वो घर पर आते हैं पढ़ाई करने के बाद, थोड़ा सा घर पे आते हैं, स्टे करते हैं, उनके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, वो अपने रूम में होते हैं अपनी वाइफ के साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ, और अचानक उनका सर्वेंट आता है, डोर नॉक करता है कि साहब जी। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो कहते हैं कि पिता इज़ नो मोर, मतलब फादर इज़ नो मोर। उनकी फिस्टुला डिजीज़ के कारण से उनकी मौत हो जाती, मृत्यु हो जाती है, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में झटका लगता है और बहुत ज़्यादा एक तरह से कमी आ जाती है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से ओवरकम होते हैं, उस चीज़ से अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को इनक्रेज करते हैं, बाद में वो निकल पड़ते हैं अपनी राहों पर। राहों पर क्या था कि जब वो मेट्रिकुलेशन जब वो अपने मेट्रिकुलेशन पास करते हैं, ही वाज जस्ट 17, लगभग 16 या 17 साल के वो होते हैं और मेट्रिकुलेशन पास करते हैं, बाद में उनकी प्लानिंग होती है कि चलो लंदन, चलो इंग्लैंड, क्योंकि उन्हें कोई एडवाइस देता है कि जाके वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल करो लंदन से। वो लंदन के लिए तैयारी करते हैं, अपनी मम्मी से बात करते हैं, अपने अंकल से बात करते हैं, अंकल के परमिशन दे देते हैं, और बाद में वो राजकोट से मुंबई पहुँच जाते हैं तैयारी करने कि चलो इंग्लैंड चलते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी वो जाति से थे, उनकी जाति का नाम था बोध बनिया, और बोध बनिया में ये मानना था कि कोई भी फॉरेन नहीं जाएगा, फॉरेन का ओएज नहीं करेगा, कोई भी कहीं पे नहीं जाएगा, मतलब फॉरेन में। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा पढ़ने, मैं तो जाऊंगा बिकॉज आई हैव गॉट परमिशन। लेकिन वहाँ पर एक मीटिंग, एक बैठक बुलाई जाती है सेठ जी के द्वारा, और सेठ जी कहते हैं क्या गांधी तुम जाओगे क्या, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें आउटकास्ट कर दिया जाएगा, जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे भाई ने, मेरी माँ ने मुझे परमिशन दिया है, आप अगर परमिशन नहीं देते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। वो निकल चलते हैं अपनी राहों पर और पहुंच जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड जब वो जा रहे होते हैं तो शिप में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर एक लोगों को छोड़ा है, वहाँ पे बाकी सब लोग होते हैं इंग्लिश मैन, हु टॉक इन इंग्लिश, हु आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। गांधी हैड नो नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, गांधी को स्किल का पता नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था किसी से बात करने के लिए। लेकिन फाइनली ही रीचेज इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड में पहुंचने के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा उनके साथ साथ क्या क्या हुआ। इंग्लैंड से वो आते हैं इंडिया, इंडिया से जाते हैं साउथ अफ्रीका, बहुत सारी घटनाएँ दुर्घटनाएँ उनकी लाइफ में, जीवन में आती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर करेगी, क्योंकि गांधी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये तो मेरा पहला पार्ट था, सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले गांधी की कुछ लाइनें, उनकी वंडरफुल लाइंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, और बाद में बताना चाहूँगा कि मैं सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी बनाने वाला हूँ इसका। उन्होंने कहा था कि फॉर अ बॉल ऑफ वाटर गिव अ गुडली मील, कोई अगर एक प्याला पानी दे तो उसे अच्छा खाना, अच्छा भोजन खिलाओ। फॉर अ काइंडली ग्रीटिंग, कोई अगर आपका अभिवादन अच्छे से प्यार से कर दे, बोदो डाउन विद ज़ील, प्यार से बहुत एनर्जी से उसके सामने झुक जाओ। इफ़ दाई लाइफ बी रेस्क्यूड, अगर आपकी ज़िंदगी बचाई जाती है, लाइफ डू नॉट विथहोल्ड, उस चीज़ के लिए मना करती है जिससे आपकी ज़िंदगी खतरे में आई थी, इसलिए वो काम आप ना करें। दस द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द वाइज रिगार्ड, यहाँ पे जो वाइज, जो बुद्धिमान लोगों को होते हैं, उनके शब्द और उनके एक्शन को रिगार्ड मिलती है, उनको सराहना मिलती है। एवरी लिटिल सर्विस टेनफोल्ड द रिवार्ड,
जब भी आप सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसका 10 गुना ज़िंदगी में आपको वापस आके मिलता है। नो ऑल मैन एज वन, सभी इंसान को एक मानो, सभी इंसान को बराबर मानो। गांधी बहुत ही महान थे, गांधी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, गांधी ने हमें मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया, अच्छी बातों करना सिखाया, अच्छे से सीखना सिखाया और अच्छे से अपने सपने की उड़ान को भरना सिखाया। गांधी ने हमें बहुत मोटिवेट किया। इसके और भी पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इसका 4 पार्ट्स बनाने वाला हूँ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी का ट्रुथ, गांधी की सच्चाई, गांधी की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आई। गांधी का इंग्लैंड की बात करेंगे, अफ्रीका की बात करेंगे, गांधी के टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे, गांधी के लॉयर एज अ लॉयर की बात करेंगे, गांधी के एज अ यू नो पॉलिटिशियन बात करेंगे, एज अ कांग्रेस चेयरपर्सन की बात करेंगे। बहुत सारी बातें करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेट करें अगली वीडियो आने वाली। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताएं क्या अच्छा लगा और क्या थोड़ा सा खराब लगा, वो भी बताएं। लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय।